नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण और मैं हूं आपके साथ अंशि वर्मा। आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने सराहनीय कामों के बलबूते पे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज एकता परिषद एक ऐसी संस्था जो सदा लोगों की मदद के लिए खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। इस संस्था से जुड़े अनिल भिंडरवाल, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, स्वागत है आपका सर प्रातः दर्पण के स्टूडियो में। तो अनिल जी, सबसे पहला मेरा एक सवाल है आपसे। आपका एक स्लोगन है, मजदूरी छोड़ो व्यापार करो, आखिर क्या है ये? मैम, ये स्लोगन जो हमारा है वो आपने शॉर्ट में बताया है। जो पूरा स्लोगन है वो है, सोच बदलो समाज बदलो, मजदूरी छोड़ो व्यापार करो और अपने दुकानदार का सम्मान करो। ये हमारा पूरा स्लोगन है। हम इस स्लोगन पर काम कर रहे हैं, बीते 5 साल से हम इस स्लोगन पर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक व्यापारी हूँ। तो हमने देखा है, मजदूरी जो होती है उसमें कोई सम्मान नहीं होता है, ख़ासतौर से हमारा जो बहुजन समाज है, जो 85% की हम जो बात करते हैं, वो हमारा समाज बहुत ही शोषित है जी। उसको मजदूरी मिलती है और मजदूरी जो मिलती है बहुत ही, जो 20,000 का काम कराता है आपसे, वो 5,000 मजदूरी देगा आपको जी। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, वो शोषण होता है उसका। और मजदूर हमेशा मजबूर होता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, बहुत ही सोचें। तो हमने उनको पीड़ा को देखा, उनकी को, तो हमने ये नारा बनाया कि हमारा जो मेन फोकस है वो दुकानदारी की तरफ है। क्योंकि दुकानदारी बहुत ही छोटे लेवल से हो सकती है और उससे बड़े लेवल पर जा सकती है अगर आप में पेशेंस है। तो हम उसके लिए हम जो काम कर रहे हैं, मजदूर के बच्चों को हम टारगेट करते हैं जी। हमारा मकसद, क्योंकि जो मजदूरी कर रहा है वो नहीं छोड़ पाएगा जी। हम उसके जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे व्यापार की तरफ आएगी, उसके लिए हम रिसेंटली काम कर रहे हैं। हम उस बच्चे को, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे तो टॉपर्स होते हैं वो तो पढ़ के ऊपर निकल जाते हैं, और कुछ बच्चे टॉपर्स भी नहीं होते जी। उनको हम समझाते हैं कि आप दुकानदारी की में आइए, उनको एज अ ट्रेनिंग के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं जी। जिस भी दुकान क्षेत्र में उसको उनको जाना है, एक विचार होता है कि मैं बड़ा होकर कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ या जूते ही करना चाहता हूँ या कॉस्मेटिक ही खोलना चाहता हूँ, जो भी उस बच्चे का विचार होता है, जिसमें उसकी दिलचस्पी होता है, उस दुकानदार पर हम उसको भेजते हैं। वो सीखता है वहाँ से पूरी 0 से लेके 100 तक, ABCD A से लेके B सब सीख जाता है वो। उसको पता होता है कि सामान कहाँ से आना है, लाना कहाँ से है, बेचना कैसे है। फिर वो जब वो अनमेरिड होता है तो उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत कम होती हैं, कोई पिताजी उसको खिला रहे होते हैं उस समय। उसी समय अगर वो दुकान खोल लेगा अपनी, तो वो 3 साल में 2 साल में दुकान को जमा लेता है और दुकान उसकी चल जाती है और वो भी ऐसा व्यापारी हो जाएगा जी। तो नारे की अगर बात करी जाए तो ये बड़ा अलग सा ही आपका ये नारा है, तो कैसे, किसने सोचा इतना यूनिक नारा और आप लोग इस नारे के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं? ये जो नारा है, हमारे जो इस संगठन के संस्थापक हैं डॉक्टर वीर सिंह जगरवाल जी, उनका दिया हुआ नारा है। हम उन्हीं के संरक्षण में काम कर रहे हैं पूरी तरीके से और पिछले 5 साल से लगातार हम इस नारे पे आधार पर काम कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ने की बात करी जाए तो फ्यूचर क्या है इस नारे का, किस तरीके से आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे कैसे नई नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? इसमें जब हमारे दुकानदार हो जाएंगे, जब समाज में दुकानदार हो जाएंगे, तो हम मैन्युफैक्चरर्स कभी भी हो सकते हैं। अभी तक हम व्यापार को बात करते हैं ना, व्यापार की, तो लोगों की एक सोच हो गई है, आगरा लेवल पर ही बात करता हूँ, एक सोच हो गई है कि व्यापारी मतलब मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है वो, जबकि जब उसे बेचना ही नहीं आता तो वो कैसे पॉसिबल है? जब दुकानदार हमारे होंगे तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर्स भी हमारे हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरर हमारे होंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हम ही करेंगे जी। जैसे आपने बात की, आप लोग गरीबों की मदद करते हैं, मजदूर लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आदमी मजदूर तभी बनता है जब उसके पास पैसे की शायद कमी होती है। तो जब वो अपनी दुकान अगर खोलना चाहता है, जैसे आप लोग उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप लोग व्यापार करिए, मजदूरी छोड़िए, तो क्या आप लोग उसको फंड की भी पूरी व्यवस्था करके देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी के बलबूते पर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपनी चीज़ें बना सकते हैं या मजदूरी छोड़कर आप अपना व्यापार कर सकते हैं, तो क्या फंडिंग की भी व्यवस्था आप लोग करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अधिकतर लोगों का क्वेश्चन यही होता है, क्योंकि हर आदमी व्यापार को फंड से जोड़ता है। मगर आप जितने भी इंडिया में बड़े व्यापारी हैं, तो मेरा आपसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकता हूँ। जैसे धीरूभाई अंबानी को ले लीजिए, उनकी आप हिस्ट्री जानती हूँ, शायद आपने पढ़ा हो शायद, क्योंकि बड़े नाम है। वो बताते हैं 500 रुपये लेके मात्र बॉम्बे गए थे और वहाँ पर पेट्रोल पंप पर उन्होंने काम किया, जॉब किया, तो पैसे तो थे नहीं उनके पास, तो फिर भी व्यापार उन्होंने कैसे वहाँ तक पहुँचे? व्यापार सोच से होता है, पैसे से नहीं होता। अगर पैसे से ही व्यापार होता तो एक जो बड़ा व्यापारी था, सबसे बड़ा जो इंडिया का व्यापारी हुआ किसी समय,
वही व्यापार बड़ा रहता जी, और लोग बड़े होते ही नहीं। बिल्कुल। तो व्यापार सोच से होता है। हम फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो सोच डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं सोच के बीच में पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी। जब मजदूर अगर मजदूरी ही छोड़ देगा, उसके पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास दो वक्त की रोटी कमाने के लिए या खाने के लिए कुछ है नहीं, वो उसको नहीं पता कि उसको शाम की रोटी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी जब वो अपने घर से बाहर निकलता है, तो कहीं ना कहीं परिवार की चिंता भी रहती है। ऐसे में जब आप उन्हें प्रेरित कर देते कि आप लोग मजदूरी छोड़िए, आप अपना अपना काम करिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में यही घूमता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उस फंड की व्यवस्था के बिना वो अपनी मजदूरी छोड़ कर कैसे अपने अपना एक काम धंधा आगे बढ़ा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि हम बच्चों को टारगेट कर रहे हैं पूरा पूरा, क्योंकि स्लेट होती है ना, स्लेट जी, जिस किताब पे पहले सब कुछ लिख चुका है जी, उस किताब पे मिटोलने में हम समय खराब नहीं करते। बिल्कुल। बच्चे पे हम करते हैं पूरा पूरा, और बच्चे को इनकम जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती बच्चे को, क्योंकि उसके पिताजी उसे खिला रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए उसने 10,000-20,000 से एक दुकान खोल ली और 100 रुपये डेली भी उसको स्टार्टिंग में बच रहे हैं 3,000 रुपये, तो वो भी उसके पर्सनल खर्चे में पैसे आ रहे हैं। उससे वो डेवलपमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली, और 10,000 का इंतजाम करना हमारी संस्था के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। संस्था जब चाहेगी जब 10,000 उनको डोनेट भी कर सकती है, मगर उसके अंदर भावना होनी चाहिए व्यापार करने के लिए। हमारी संस्थाओं के लगभग 500 लोग हैं, हम जिस भी संस्था के लोग से कहेंगे इस बच्ची की मदद करनी है जिसको व्यापार खोलना है, तो हम 500 लोग भी मदद करेंगे, 1,000-1,000 तो ऐसे 5 लाख होते हैं। तो मदद की भी कोई इशू नहीं है। हमने अभी रिसेंटली एक साड़ी का कपड़े की दुकान खोली है, उसकी हमने आर्थिक मदद भी करी है। उसका नाम मैं बताना अच्छा नहीं समझता हूँ, कभी अच्छा नहीं लगता है। उसके हमारी संस्था के काफ़ी लोगों ने उसकी मदद करी है, और हमने मदद के एवज में उन संस्था का टेक्निक अलग निकाली है। हमने उससे भी कहते हैं कि मदद आपको वापस करनी है। अच्छा। जैसे मैंने किसी ने 5 लाख रुपये की मदद हुई किसी की, और हमारी संस्था के 300 लोग हैं, 300 लोगों ने 1,000-1,000 दिए उसको या 1,500-1,500 रुपये दिए, तो हमने उनसे कह दिया है कि आपने जो पैसे दिए ये वापस नहीं करेगा आपको जी। आपको इसकी दुकान से सामान लाना होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। आप कैसे उसको ग्राहक भी दे रहे हैं ना जी, बिल्कुल। जो पैसे उस पर आते हैं उसकी पहले दिन से ही हमने ग्राहक भी दे दिए उसको, कि आप उसको पैसे भी दिए आपने, उसी दुकान से सामान लाइए, जो इसका मार्जिन 20% होगा वो 20% उससे बचेगा, उसकी इनकम भी जनरेट होगी। अब 5 लाख की सेल उसकी हो गई और 20% बचा, तो 1 लाख उसके पास पहले दिन ही आ गए। ये हमारा टेक्निक है जी। अच्छा, ऐसे में कहीं ना कहीं मजदूरों को उनको मानसिक रूप से समझाना काफ़ी शायद मुश्किल होता होगा, क्योंकि मजदूरों को जहाँ बोला जाए कि आप लोग अपनी मजदूरी छोड़िए, आप लोग व्यापार की तरफ आगे बढ़िए, तो कितना मुश्किल रहता है उनको इन सब चीज़ों को समझाना कि आप लोग व्यापार करिए, किसी की मजदूरी करने से बेहतर है कि आप लोग 4 पैसे ज़्यादा कमा पाएंगे। तो क्या ये आसान काम है या बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है? बहुत ही आसान काम है ये तो जी। मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुश्किल तब होता है जब हम किसी मजदूर जिसकी परिवार हो गया है, पहले दिन से उसको पैसे चाहिए, उस पर हम फोकस करते तो उसके लिए उसको समझाने के लिए मुश्किल है, क्योंकि यार मैं पहले दिन से छोड़ दूंगा काम तो मेरा बच्चे कैसे पलेंगे। हम इसलिए बच्चों को करते हैं, जो इंटर पास बच्चे हैं उनको करते हैं। तो हर बच्चा चाहता है कि मजदूरी कोई नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं सम्मान, क्योंकि आपसे ही मैं क्वेश्चन करूँगा, सम्मान मजदूरी में मिलता है या व्यापार में मिलता है, आप बताइए। ये तो डिपेंड करता है किस तरीके से हम लोग अपनी चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। आपको सम्मान मजदूरी करने में मिलेगा, लेकिन हम किसी को दबा नहीं सकते नहीं, हैं। किसी को सम्मान मजदूरी में मिल रहा है तो किसी को उसके व्यापार में नहीं, मिल नहीं, रहा है। संतुष्ट शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नहीं, नहीं। आप मेरा क्वेश्चन ज्यादा समझे नहीं। सम्मान मजदूरी में नहीं मिलता कभी भी। आपने कहा ना मजदूरी में सम्मान मिलता है, तो मुझे नहीं लगता सम्मान मजदूरी में मिलता है। मजदूरी में तो किसी से भी आप पूछेंगे मजदूरी में कहां सम्मान होता है जी। लेबर को कौन सम्मान देता है? वो तो पहले से ही लेबर है जी। लेबर का मतलब ही असम्मान है, मजदूर मजबूर होता है, तो उसको सम्मान तो मिलता ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, शायद जो जिस कंडीशन में हो वो वही बता सकता है, शायद एक मजदूर ही आपके इस सवाल का सही जवाब दे सकता है। नहीं, मैं तो जाता रहता हूँ बस्ती बस्ती में। अभी तक हमारी संस्था ने 20 कार्यक्रम करे हैं, जिसमें कोठी मीना बाजार, GIC ग्राउंड, सूर सदन और पंचशील डिग्री कॉलेज, 4 व्यापार मेले भी हमने लगाए हैं। व्यापार मेले में भी हम छोटे दुकानदारों को बुलाते हैं, उनका ऐड करते हैं, पूरा बैनर वैनर लगाते हैं जिससे उनका प्रचार भी हो। प्रचार का हमने एक तरीका तो ये बता दिया, फंड का तरीका भी बता दिया मैंने आपको जी, और उसका प्रचार भी बता दिया कि 300 लोगों तक तो प्रचार उसका फर्स्ट डे कर देते हैं जिनसे उसने मदद ली है, और 20% जो उसका मार्जिन है 5 लाख की वो सेल भी कर लेता है, तो 1 लाख रुपये उसको एक महीने के अंदर कम जाएगी। बिल्कुल। दूसरा सवाल हम पूछते हैं, ये जो 85% है आखिर ये क्या है? 85% में ये सरकार के जातिगत आंकड़े के हिसाब से ST ST OBC और माइनॉरिटी उनकी जनसंख्या है जी। और इंडिया का जो
निवासी हैं, मूल निवासी जिन्हें भी कहते हैं, वो 85% ही हैं जो यहाँ रह रहे हैं। तो आप लोग कैसे ये 85% के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या इन्हीं की हेल्प करते हैं या किस तरीके से इसके साथ लेके बढ़ते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी संस्था का शायद स्लोगन सा भी एक 85% जैसे ही सुनने को मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो संस्था है वो दिमाग में आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से ही शायद ये निकल कर आए 85% का फॉर्मूला। आप देखते हैं मैम, व्यापारी वर्ग जो है, आप कौन मतलब आपके अनुसार व्यापारी वर्ग इंडिया में कौन सी जनसंख्या है? वैश्य समाज को आज इंडिया में व्यापारी वर्ग कहा जाता है, और उनकी जनसंख्या जो है टोटल इंडिया के अनुसार जो है जनसंख्या मात्र 3-4% उनकी जनसंख्या है, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो या कम भी हो सकती है, 3-4% जनसंख्या, मगर पूरा का पूरा व्यापार पर होल्डिंग उन्हीं की है होल्डिंग जो है। जबकि ग्राहक कौन है? ग्राहक 85% है। अगर 85% ही व्यापार करेंगे तो होल्डिंग उनकी हो जाएगी। होल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिना होल्डिंग के कुछ नहीं होगा। दूसरा, मलिन बस्तियों में भी आप लोग जाते हैं, आपकी संस्था काम करती है मलिन बस्तियों में भी, ऐसे में वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे आप लोग इसको भी एक अच्छे से निर्वहन इस कार्य का भी आप लोग कर पा रहे हैं? इस कार्यक्रम में हमने अभी रिसेंटली जो अप्रैल का माह गया है, क्योंकि हम लगातार उन बच्चों को प्रोत्साहन, हमारा मेन मकसद प्रोत्साहन का रहता है, जितने भी बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर से ऊपर जो उन सभी बच्चों को हम सम्मानित करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि आप और पढ़िए, अगर फंड की ज़रूरत पड़ रही है स्कूल में किसी प्रकार की तो वो हमारी संस्था उनको प्रोवाइड कराएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मगर आप पढ़ने से कोई बच्चा रहना जाए, क्योंकि हमारे समाज ने स्कॉलरशिप मिलती है मैम हमें, जब हम पढ़े हैं स्कॉलर से, मगर गवर्नमेंट ने अब स्कॉलर को बंद कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई बच्चा बिना उसके रहना जाए। जब हम सक्षम हो गए, हम खा कमा रहे हैं, तो हम पड़ोसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। जब मेरा बेटा स्कूल में जा रहा है एक में, तो मैं उसकी फीस नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मगर मेरी सोच नहीं है। हर एक की सोच शायद ऐसी नहीं है। सोच नहीं है वो सोच डेवलप करनी है हमें। जब हम अपने बच्चे की फीस जमा कर सकते हैं तो एक पड़ोसी के बच्चे की फीस जमा कर सकते हैं, जिससे जब वो उठेगा तो आप पूरा समाज उठेगा। इस कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं, और हम बस्ती बस्ती जब भी जाते हैं तो वहाँ के सक्षम लोगों से कहते हैं कि एक बच्चे की फीस ज़्यादा नहीं तो आप भी भरिए। और हमारे समाज में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं और वो इस बात से बहुत ही प्रेरित भी रहते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एक बच्चे की फीस भरेंगे, और भरी भी है लोगों ने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपकी संस्था से लोग प्रेरित होकर ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लोग अगर किसी बच्चे को गोद ले लें, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, तो शायद जो माहौल अभी इंडिया में बना हुआ है, भारत में अभी ज़्यादा लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी तवज्जो शायद लोग देने लग जाएंगे शिक्षा को। तो जब आप लोग इन मलिन बस्तियों में पहुँचते हैं तो क्या रिस्पॉन्स वहाँ से आपको देखने को मिलता है, कैसे लोग मतलब क्या रिस्पॉन्स आपकी इस जो आप लोग की रणनीति बनाकर चल रहे हैं बच्चों को शिक्षित करने का, तो क्या रिस्पॉन्स बच्चों का, उनके माता पिता का निकल कर आता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकल कर आता है उनके माता, क्योंकि समाज में या किसी भी समाज में मान लीजिए आप, नशाखोरी बहुत हो गई है, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ बस्ती में जाते, तो नशाखोरी की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम बस मेन मसे की बात करते हैं और उनसे फीस की बात करते हैं कि फीस की कोई दिक्कत आ रही है तो हम भर देंगे, पर बच्चे को आप बैठा लिए मत, उसको पढ़ाइए, क्योंकि जब समाज शिक्षित होगा तभी कुछ हो पाएगा। खास तौर से हम गर्ल्स को ज़्यादा देखते हैं कि वो गर्ल्स पढ़ने से, क्योंकि गर्ल्स अगर शिक्षित हो जाएगी तो वो अपने बच्चे को जरूर शिक्षित दे देगी। कोई भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, एक पढ़े लिखे पिता का बच्चा तो अनपढ़ रह सकता है, मगर पढ़ी हुई माँ का बच्चा कभी भी अनपढ़ नहीं रहेगा। तो इसलिए हम बस्ती जाते हैं, हमने अभी तक सम्मानित किया है बच्चों को, 20 कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को सम्मानित किया है, जिसमें हम बाबा साहब के जीवन संघर्ष की बुक्स उनको देते हैं। 19,500 लगभग बच्चों को हम सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें से 80% गर्ल्स हैं। काफी अच्छी आंकड़ा है, क्योंकि पढ़ने में मुझे लग रहा है वो ज़्यादा तेज हैं जी। जो मलिन हमारी बस्तियाँ हैं उनमें गर्ल्स ज़्यादा पढ़ रही हैं बॉयज़ के पीछे, बॉयज़ पर जिम्मेदारी आ जाती है, पिताजी काम नहीं कर रहे हैं, वो पीने में मस्त हैं तो बॉयज कर लेता है। तो ये तो स्कूलिंग की बात हो गई, लेकिन बच्चा जब आगे बढ़ता है, अपना 12th कंप्लीट करता है, तो कहीं ना कहीं उसका एक रहता है मोटिव कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर बनना है, तो क्या इन सपनों को भी आप लोग साकार करने में उन लोगों की मदद करते हैं? हाँ। स्कूलिंग तक ही आपकी संस्था से? नहीं नहीं, हमारी संस्था उससे आगे भी काम करती है। अभी रिसेंटली हमारी संस्था के में एक टेक्नो स्टार नाम से एक कोडिंग सिस्टम का जमाना आ गया मैम, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो अभी हमने जितने भी 14 अक्टूबर को एक कार्यक्रम, मैं कोरोना के बाद भी हमने 3-4 कार्यक्रम किए हैं, इसमें 14 अक्टूबर को धम्मदेशना का कार्यक्रम किया है, तो वहाँ भी हमने टेक्नो स्टार से मिलके, जिनकी फ़ीस करीब 2 लाख रुपए की फ़ीस है 2 साल की,
वो कोडिंग सिखाते हैं बच्चों को और 100% जॉब की बात करते हैं कि उसको 100% जॉब मिलेगी और बाद में अपना ऐप बना के व्यापार भी कर सकता है जो है। उससे हमारा अभी टाइप हुआ है, कोई संस्था के वो सदस्य भी हैं हमारी, ये तो उनकी जो 2 लाख रुपये फीस है वो फीस हमने गरीब बच्चों के लिए, किसी भी जाति का हो, जाति से कोई मतलब नहीं, गरीब बच्चों के लिए उस फीस को हमने उनसे रिक्वेस्ट करके वो 25,000 रुपये फीस हमने करवा दी है। दूसरा, अगर वो बच्चे पर 25,000 देने के लिए भी नहीं है, किसी बच्चे पर 25,000 देने के लिए भी नहीं है, तो वो 25,000 हमारी संस्था वो देगी उस बच्चे के लिए, वो इंटर के बाद ही होता है, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर किसी बच्चे का PhD में सिलेक्शन हो गया, अभी रिसेंटली एक हमारे मिलने वाले हैं, उनका PhD में सिलेक्शन हो गया और बहुत ही गरीब फैमिली है, उसके पास PhD के जो 35,000 के आसपास उसकी फ़ीस थी वो जमा करने के लिए नहीं थे जी। वो भी हमारी संस्था के जो संरक्षक थे या हमारी संस्था का जो मेन टीम है उन्होंने उसको पेड किए और वो PhD कर रहे हैं जी। बात करते हैं आपकी संस्था की, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कब ये मतलब कब सोच आए और किसकी सोच रही कि आप लोग इस तरीके से मदद करें, आप लोग एक ट्रस्ट बनाएं और लोगों की मदद करें, सेवा भाव का जो आपने कार्य शुरू किया आखिर कब से किया? ये हमने 2015 को पहला कार्यक्रम जो था प्रेम नगर से स्टार्ट किया था, आगरा में मारुति स्टेट के पास है प्रेम नगर, वहाँ से हमने बच्चों को सम्मानित किया था जिसमें करीब 100 बच्चे हमने सम्मानित किए थे। और हमारी संस्था का पहला कार्यक्रम वो था। अब उसके बाद हमने विभिन्न कार्यक्रम किए और वहीं से हमारे सोच में आया, क्योंकि मैंने खुद व्यापार जब स्टार्ट किया था तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं देखता था कि व्यापार करने के बाद भी हमारे पास वो क्षमता नहीं है, नौकरी की तरफ हम चले जाते हैं। मैं जो खुद को लगा यार मैं तो नौकरी कर लेता यार, व्यापार दुकान चलती नहीं है और मज़ा नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो नौकरी कर लूँगा मैं, एज आ सॉफ्टवेयर जानता था मैं सब कुछ जी। तो मेरी जॉब भी थी करीब 27,000 रुपये मिल रहे थे जी। तो मैंने कहा यार नौकरी में यहाँ दुकान में तो कुछ मिल नहीं रहा है तो छोड़ देता हूँ, मगर क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी नहीं थी जी। तो ये सोच जब इसलिए आई हमारे पास कि मेरे पास जिम्मेदारी नहीं थी, मैंने कहा कुछ दिन चला के और देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ दिन चलाई तो वो अच्छे चलने लग गई। तो मेन इसलिए मैंने बताया मैं बच्चों को क्यों लेते हैं, उनके पास जिम्मेदारी नहीं होती। अगर उस समय मैं अगर मैरिड होता, जिम्मेदारी होती, तो 100% मैं जॉब की तरफ चला जाता जी। तो कहीं ना कहीं परिवार का दबाव और इन सबको सोच के सोच जी। तो DR चैरिटेबल क्लिनिक हॉस्पिटल है जो आपका, इसमें भी आप लोग फ्री सेवाएं देते हैं, लोगों की काफ़ी मदद करते हैं, तो ये कैसी सोच बढ़ी और किस तरीके से आप लोग उसको मैनेज कर पाते हैं? ऐसा हमने जब भी हम अपनी बस्तियों में जाते हैं तो वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं बैठे हुए हैं, तो हमने देखा है क्वालिफाइड डॉक्टर की फ़ीस जो है 500 रुपये फीस है जी। और जिसकी इनकम डेली की 100 रुपये है वो 500 रुपये वाले डॉक्टर को कहाँ से दिखा पाएगा? इसके लिए हमने एक अपने DR चैरिटेबल क्लिनिक की एक बुकलेट छपाई, क्योंकि हम क्लिनिक पर जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्लिनिक पर डिफरेंस नहीं कर सकते किसी में भी, उस पैम्पलेट को वो ले उसको बस्ती जाके हमने बांटी वो पैम्पलेट और उसमें निःशुल्क परामर्श कर दिया कि इसमें डॉक्टर्स की फी कोई फीस नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भी होगा उसको भी बहुत ही कम चार्जेस में कराया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन को भी। तो जो बस्ती में हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको अच्छा इलाज मिल जाए जी। अच्छा इलाज उनको मिले, इसके लिए हमने फ्री किया है। अभी रिसेंटली हमने अपने मीडिया बंधुओं के लिए भी, कोई कोरोना के टाइम में मीडिया ने जो काम किया बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि मीडिया ही थी जो हमको बता रही थी कि कहाँ मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल। वरना आप देखिए हम तो आराम से लॉकडाउन में जितने भी सक्षम लोग थे उनने लॉकडाउन को तो एंजॉय किया है। बिल्कुल। मगर जो प्रॉब्लम में थे उसको मीडिया ने दिखाया है। तो मीडिया बंधुओं को हमने एक सम्मान समारोह किया था कोरोना के बाद में, और उसमें जितने भी हमारे मीडिया बंधु थे के सदस्य थे उन सभी के लिए हमने अपने DR चैरिटेबल क्लिनिक पर निःशुल्क सुविधा स्टार्ट करी, उनको कोई फीस नहीं दे रही है, उनको भी हमने बुकलेट इशू करी। और हमारे आदरणीय डॉक्टर वीर सिंह जगरवाल जी हैं, उनकी तरफ से डॉक्टर रेणु सिंह जी हैं, उनने भी सारे सभी के लिए फ्री किया जी। तो आगे की अगर बात करी जाए, क्या अब आपकी संस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है और लोगों की मदद कर रही है? अभी हमारी मदद की कड़ी में बाबा साहब का 6 दिसंबर महा मतलब परिणाम दिवस होता है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि बाबा साहब का एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा वो रहता था कि हम शिक्षित बनेंगे तो शिक्षित आदमी अपना अच्छा बुरा सब सोच लेता है। और कोरोना के टाइम में बहुत ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप मीडिया से हैं आपको सब पता है कि कोरोना के टाइम पे कोई सरकार तो कुछ भी कह सकती है कि हमने 50 करोड़ लोगों को नौकरी दी या कुछ भी कह लेते हैं, वो तो कभी कभी मैंने सुना है कोई मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं जनसंख्या 125 करोड़ है, वो उन्होंने 300 करोड़ लोगों की मदद कर दी, कभी पता नहीं चलती, वो तो अपनी अपनी उनकी विचारधारा है।
हमने 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम रखा है जिसमें बच्चों के लिए हमने विशेषकर कार्यक्रम, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर ये 2 स्टेज होती हैं मेन, यहाँ से बच्चा एजुकेशन सिस्टम को छोड़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे जहाँ आपने देखा होगा प्राइमरी तक एजुकेशन सिस्टम जो 100% होता है, उसके बाद 80% रह जाता है, हाई स्कूल तक 50% रह जाता है, इंटर तक आने के बाद में तो 30% ही रह जाता है, लोग छोड़ देते हैं। तो हाई स्कूल में जो बोर्ड एग्ज़ाम फीस है और जो बच्चों की गरीब बच्चे हमने सेलेक्ट किए उसमें, उस कार्यक्रम में उनको डायरेक्ट फीस वापस, कोई फीस जमा हो चुकी है बच्चों को हमने बुलाएंगे, उनको डायरेक्ट जो उनकी फ़ीस बनती है वो फीस उन्हें वापस देंगे, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको फीस, हाई स्कूल और इंटर 6 दिसंबर को हम करेंगे। तो हम लोग यही कामना करते हैं जो आप लोग ये सेवा कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से करते रहे, और आपकी जो सेवा है निस्वार्थ भाव आपके अंदर ऐसी बना रहे। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में ये मौजूद थे अनिल भिंडरवाल जी, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज एकता परिषद से जुड़े, और उनकी संस्था लगातार लोगों की मदद के लिए यूं ही आगे बढ़ती चली आ रही है, और हमारी भी ये कामना है कि इसी तरीके से ये संस्था लोगों की मदद करती रहे। बने रहिए प्रातः दर्पण के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।